प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में खड़ी हुई बाधा सूर्यदेव ने दूर कर दी है। वर्षा के कारण रुका निर्माण कार्य पुनः आरंभ हो गया है, वो भी पूरी गति के साथ। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों को एक अनूठा उपहार भी दिया है। ट्रस्ट की ओर से कई नए चित्र सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रभु का मंदिर कैसा नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये नए चित्र और बताते हैं क्या है निर्माण कार्य की प्रगति। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तेज वर्षा के कारण प्रभु राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ था। जलभराव और कीचड़ के कारण काम नहीं हो पा रहा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि वर्षा के चलते प्रभावित हुआ कार्य इसी सप्ताह शुरू हो गया है। परिसर में जमा पानी को पंप से निकाल लिया गया है। ट्रस्ट निर्माण की प्रगति पर निगाह लगाए हुए है। ट्रस्ट को भरोसा है कि मंदिर दिसंबर 2023 के पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नए एनिमेशन फोटो जारी किए हैं। इन चित्रों में मंदिर का भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। ट्रस्ट की ओर से 5 चित्र साझा किए गए हैं। इनमें से एक चित्र में गगन की ओर से संपूर्ण मंदिर परिसर को दर्शाया गया है। इसमें परकोटा सहित संपूर्ण मंदिर परिसर का आकर्षक स्वरूप नजर आ रहा है। दूसरा चित्र मंदिर के अग्रभाग का है। इसमें चबूतरा और पूरे मंदिर का दृश्य है। ट्रस्ट पूर्व में भी ऐसा एक चित्र जारी कर चुका है, परंतु ये चित्र ज्यादा स्पष्ट है। तीसरा चित्र बाईं ओर से मंदिर को दर्शा रहा है। इसमें मंदिर की भव्यता का अनुभव होता है। शेष 2 चित्र दाहिनी ओर से संपूर्ण मंदिर का दृश्य सजीव कर रहे हैं। इनमें प्रभु की मंदिर की अनूठी संरचना स्पष्ट हो रही है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में भगवान राम की मंदिर निर्माण में पत्थर लगाने का कार्य रात्रि 11 बजे तक चल रहा है। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। उसके बाद सिंह द्वार यानी प्रवेश द्वार होगा। मंदिर में 5 शिखर होंगे।